हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वन मार्क क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है हमारा वर्क ऑफ विंड एंड एयोलियन लैंडफॉर्म्स। सीधा सीधा समझो तो अभी तक हमने क्या देखा है, इरोजन देखा है इरोजन देखा हमने रिवर का, इरोजन देखा हमने ग्लेशियर्स का, डिपोजिशन देखा एंड देखा हमने कि किस तरह के लैंडफॉर्म्स वो क्रिएट कर रहे हैं। अब बारी है किसके, विंड की। विंड के थ्रू जो हमारे कार्य हो रहे हैं और उनके द्वारा जो निर्मित हमारे लैंडफॉर्म्स हैं उनकी बात करेंगे हम कि किस तरह से बनेंगे। देखो यहाँ पे हम वन मार्क क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप जाकर के एक बार प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जियोमॉर्फोलॉजी के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लेना एंड देन आप वन मार्क क्वेश्चन इधर अटेम्प्ट कर सकते हो। ज्योग्राफी ऑनर्स का ये सब्जेक्ट है हमारा, चलिए स्टार्ट करते हैं वन मार्क क्वेश्चन। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ विंड इज मोस्ट इफेक्टिव इन, यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे कि जो विंड का वर्क है, विंड का जो काम है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहाँ पे होता है, कौन से रीजन में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ट्रॉपिकल रीजन, बी टेम्परेट रीजन, सी पोलर रीजन एंड डी ह्यूमिड रीजन। तो आपको इसमें से आंसर बताना है कि कौन सा ऐसा रीजन होगा जहाँ पे ये विंड काफी ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रॉपिकल रीजन। अच्छा, ट्रॉपिकल रीजन कैसे होगा, तो क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो वेजिटेशन है, वो सब कुछ क्या होगा, ड्राई ड्राई होता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर समझे तो यहाँ का जो रीजन है उसको ड्राई रीजन भी कहते हैं। तो इसलिए ज़्यादा काम कहाँ पर करेगा ये विंड, ट्रॉपिकल रीजन में काम करेगा, यहाँ पर जो इफेक्टिवनेस है इसका वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और बेसिकली जो विंड की जब हम बात करेंगे तो ज़्यादातर जो बात हुई है इस चैप्टर में वो डेजर्ट की बात हुई है। ठीक है, तो डेजर्ट हमें ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, वो ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर टू हमारा कह रहा है, द टोपोग्राफी फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स इज कॉल्ड। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो हमारे रॉक्स होते हैं उनमें सॉफ्ट रॉक्स एंड हार्ड रॉक्स दोनों होते हैं। तो मान लो ये हमारा सॉफ्ट रॉक है ऊपर, फिर ये इतना हो गया सॉफ्ट रॉक का। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो ये लेयर है वो क्या है, वो हमारा हार्ड रॉक का है। ठीक है, ये जो लेयर हो गया ये हो गया हार्ड रॉक का, ऊपर हो गया सॉफ्ट रॉक का, फिर इसके ऊपर हो गया हार्ड रॉक। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली कैसे होता, वर्टिकल ऐसे होता। ठीक है, लेकिन ये क्या हमारा हॉरिजॉन्टली है। तो अब इसमें जब हवाएं ऐसे आ रही हैं, ठीक है, मान लो इधर से हवा चल के आ रही है ये, और इधर आके टकरा रही है इसमें, तो ये टकराते कहीं ना कहीं इसका जो ये स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आएगा। तो वही पूछ रहा है कि जब हॉरिजॉन्टली इस तरह से हमारे जो रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स एंड सॉफ्ट रॉक्स, उनका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तो विंड का जब यहाँ पे काम होते रहता है, विंड के थ्रू जब इरोजन होता है, तो जो ये स्ट्रक्चर है वो कैसा बन जाता है फिर बाद में। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्टोन लैरिस, ऑप्शन बी है डोमिसल्स डिमोइसल्स एंड डी है ज्यूजन एंड डी है हमारा याडंग। ओके, ऑप्शन नंबर ये क्या है, स्टोन लैटिस, ये कुछ जालीदार होता है। डिमोइसल्स कहने का मतलब है भू स्तंभ। ठीक है, स्तंभ मतलब क्या होता है, स्तंभ मतलब पिलर समझ सकते हो नॉर्मली आप, ज्यूजेन या फिर याडंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ज्यूजेन। अब जब हम ज्यूजेन पढ़ रहे होंगे, ज्यूजेन बोलो ज्यूगन बोलो जो भी है, तो इसमें हमने ये चीज बहुत ही अच्छे से कवर किया था कि यहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स का जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है वो होता है, तब जा करके ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो टोपोग्राफी है ज्यूगन की, ज्यूजन की, वो फॉर्म होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखेंगे, सी वेव लाइक स्ट्रक्चर इन सैंडी डेजर्ट्स आर कॉल्ड। तो जो हमारे सैंडी डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो जहाँ पर सिर्फ सैंड होते हैं, बहुत ज़्यादा सैंड होते हैं, वहाँ पर जब सी वेव बनता है, ठीक है, सी वेव का स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिर सी वेव लाइक एक टोपोग्राफी बनती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ब्लो आउट, बी है डोमोइसल्स, सी है सैंड्यून्स एंड डी है रिपल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिपल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर हमारा कहता है, याडंग टोपोग्राफी इज अ रिजल्ट ऑफ, याडंग टोपोग्राफी किस चीज के रिजल्ट से बना हुआ है। ऑप्शन ए है हमारा विंड डिपोजिशन, बी विंड इरोजन, सी विंड वाटर इरोजन एंड डी विंड कैप्चर। तो इसका आंसर क्या होगा, अब जब आप पढ़ रहे होंगे ना ये चैप्टर, तो आपको याद रखना है कि विंड का जो काम है वो इरोजन और डिपोजिशन दोनों का है। तो इरोजन के थ्रू हमारे कौन से टोपोग्राफी बन रहे हैं और डिपोजिशन के थ्रू कौन से बन रहे हैं, इनमें हमें अंतर पता होना चाहिए, तब जा करके हम इसका आंसर दे सकते हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा, यार्डंग टोपोग्राफी किस चीज के रिजल्ट से बना हुआ है, तो विंड इरोजन के रिजल्ट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, द सैंडी डेजर्ट इज कॉल्ड, जो सैंडी डेजर्ट है जहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू होता है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब मिट्टी उतनी नहीं है, बिल्कुल एकदम ना के बराबर होती है, ज्यादातर क्या होता है सिर्फ बालू होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अर्ग, बी है लोएस, सी है हमादा एंड डी है रेक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्सटेंसिव डिपॉजिट्स ऑफ लोएस आर फाउंड इन, लोएस की बात हो रही है कि ज्यादातर जो लोएस मिट्टी है अगर वो कहीं पे डिपॉजिट है, ठीक है, तो वो कौन से एरिया में है। तो ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी सदर्न यूरोप, सी नॉर्दर्न चाइना एंड डी वेस्टर्न इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्दर्न चाइना, इस लोएस की बात हो रही है, ठीक है, जो सैंडी डेजर्ट है ना, सैंडी डेजर्ट हो गया अर्ग, तो वैसे ही लोएस में जो है वो सैंड की मात्रा क्या होती है, वो कम होती है, यहाँ पे कुछ और होता है, वो आप पढ़ोगे जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो ये चीज क्लियर हो जाएगा कि लोएस एग्जैक्टली क्या होता है। तो एक्सटेंसिव लोएस के डिपॉजिट्स कहाँ पाई जाती हैं, तो वो है हमारा नॉर्दर्न चाइना। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।